नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूँ आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे कि आज दिन भर बाजार ने किस तरह से कारोबार किया, उसका एक क्विक रिकैप आपको देंगे। साथ ही अपडेट देंगे दिन भर के मार्केट का, किस तरह की एक्शन आज स्टॉक स्पेसिफिक रहा और दिन के दौरान अहम खबरें कौन कौन सी आई ये भी हम आपको बताएंगे, ताकि दिन भर का कोई एक्शन आपसे मिस ना हो। चलिए अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाजार से। और आज दिन भर बाजार किस तरह से कारोबार कर रहा था, पूरा अपडेट लेकर मानसी मौजूद है। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताइए। ऑफकोर्स दिन की शुरुआत में एक उम्मीद भी जगी, क्योंकि 18,800 के लेवल्स के पार हमने जब देखा कि करीब एक या दो अंक ही दूर रह गया है नए रिकॉर्ड स्तर से निफ्टी, तब लगा था कि हो सकता है कि आज रिकॉर्ड लेवल्स जो कि दो तीन दिनों का इंतज़ार है वो खत्म होगा। लेकिन आज भी हमने देखा कि रिकॉर्ड स्तर जो हैं 18,886 तक गया, लेकिन 87-88 तक नहीं पहुँच पाया। और उसके बाद हमने देखा कि मूवमेंट जो है वो गिरावट की तरफ ही बढ़ती गई। इनफैक्ट निफ्टी ही नहीं, सेंसेक्स में कल रिकॉर्ड लेवल्स दिखे, उस रिकॉर्ड लेवल्स के बाद आज एक ब्रीदर था, कमजोरी थी और क्लोजिंग जब हुई करीब 300 अंकों की गिरावट के साथ सेंसेक्स भी। बैंक निफ्टी की तरफ से भी बिकवाली का दबाव हावी रहा और 8 ट्रेडिंग सेशन की मजबूती के बाद मिड कैप, जिसे कहा जाता है कि 2023 में मिड कैप ब्रॉडर इंडेसेस काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म करेंगे, कर भी रहे हैं, लेकिन 8 सेशन की तेज़ी के बाद आज मिड कैप में गिरावट देखने को मिली जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी। हमने देखा मिड कैप इंडेक्स भी लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव झेल रहा था और यहाँ पर भी कई सारे स्टॉक्स थे जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। हालांकि कुछ तमाम थीम्स थे जिसके चलते बाजार को सपोर्ट मिला, कुछ स्टॉक्स थे जहां से बाजार को सपोर्ट मिला। सेगमेंट्स जैसे कि डिफेंस सेक्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा के साथ साथ डिफेंस सेक्टर में भी कुछ ना कुछ खबरों का दौर जरूर चल रहा है। ड्रोन्स को लेकर खबरें आ रही हैं, आज पारस डिफेंस के स्टॉक को अगर आप देखेंगे वहां पर एक अच्छी मजबूती देखने को मिली और अच्छे खासे एक्शन के साथ डिफेंस स्टॉक्स लगातार फोकस में है, रेडार पर रहे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, हमने देखा कुछ रिपोर्ट्स आई जिसके चलते पैराडीप फॉस्फेट एंटी की एक रिपोर्ट थी, पॉजिटिव रिपोर्ट, और उसका असर पैराडीप फॉस्फेट के स्टॉक प्राइस में अच्छी मजबूती के साथ एक्शन पैक करीब 5-7% तक के मूव्स यहाँ पर नजर आए। फार्मा जो कि बाजार को संभालने का काम करता है, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, वहाँ से भी आज सपोर्ट नहीं मिले। इनफैक्ट फार्मा सेक्टर में तो गिरावट थी ही, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक ल्यूपिन पर एक रिपोर्ट थी जेफरीज की जहाँ पर अंडरवेट की राय दी गई थी और उसका एक असर था जिसके चलते ल्यूपिन के स्टॉक प्राइस में गिरावट हमने देखी। और इंडेक्स को भी अगर देखेंगे, निफ्टी फार्मा इंडेक्स भी लाल निशान के साथ करीब 100 अंकों की गिरावट ही दिखा रहा था। इसके अलावा शुगर स्टॉक्स में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर सरकार कुछ ना कुछ कदम उठा रही हैं जिसके चलते लगातार अपडेट्स भी हम आपको दे रहे हैं। शुगर स्टॉक्स की मिठास लगातार बढ़ती हुई नजर आई आज के कमजोर बाजार में। वॉलिटल मार्केट्स में भी श्री रेणुका शुगर, धामपुर शुगर, बलरामपुर चीनी, ये सारे के सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। अब आइए हैवी वेट्स में कहां पर मजबूती थी। हैवी वेट्स में HDFC ट्विंस ने बाजार को संभालने का काम किया, HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड की तरफ से हमने एक्शन देखा, कॉन्ट्रीब्यूशन देखा। इसके अलावा L&T ITC और महिंद्रा एंड महिंद्रा, यहाँ पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। लेकिन इसके विपरीत हैवी वेट्स लाइक रिलायंस, इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, HUL जैसे स्टॉक प्राइस में गिरावट हावी रही। और सेक्टर स्पेसिफिक हमने देखा PSU बैंक, फार्मा और IT से जो लगार्ड्स थे उसने बाजार का मूड जरूर बिगाड़ा। अब मिड कैप जहां पर लगातार एक्शन हम देखते हैं वहां इंडेक्स में ही गिरावट थी और स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी अगर आप देखेंगे, M&M फाइनेंस, इंडियन होटल्स, डिक्सन टेक्नोलॉजीज जैसे स्टॉक्स थे जो कि गिरावट झेल रहे थे। मिड कैप IT में गिरावट थी, मिड कैप रियल एस्टेट में गिरावट थी, तो सेंटिमेंट मिड कैप इंडेक्स में भी गड़बड़ाया और इसका असर हमने बाजार में ओवरऑल देखा। तो क्लियरली कल की जो तेजी थी, कल का जो एक्शन था, आज वॉश आउट होता हुआ दिखा। वॉलिटिलिटी थी, वीकली एक्सपायरी का दिन था, वॉलिटिलिटी एक्सपेक्टेड भी थी, लेकिन फाइनल क्लोजिंग जब हमने देखी तो बिकवाली का दबाव था। हालांकि बाजार को ओवरऑल मोमेंटम जो है, अंडरटोन जो है, बुलिश है। निफ्टी के लिए जानकारों के मानना है कि 18600 के पार जब तक हम ट्रेड कर रहे हैं पॉजिटिविटी जारी रहेगी, ओवरऑल मोमेंटम बुलिश, लेकिन आज का सेशन थोड़ा वीक रहा। बिल्कुल, तो आज का सेशन वीक रहा, ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव था और रिकॉर्ड हाई के पास हम फिर जाते हुए दिखाई दिए, लेकिन उस लेवल को वो पार नहीं कर पाया। चलिए अब बाजार पर नजर रहेगी कि अब आने वाले समय में किस तरह की चाल यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच उन स्टॉक्स पर फोकस करते हैं जहाँ पर खबरें थी और खबरों के चलते आज एक्शन दिख रहा था। इसमें प्रदीप फॉस्फेट, यहाँ पर आज शानदार तेजी देखने को मिली और इसके पीछे की वजह क्या थी बताने के लिए शरद दुबे मौजूद हैं। शरद, बताइए।
जी बिल्कुल, आज जो था एक इम्पॉर्टेंट डोमेस्टिक ब्रोकिंग हाउस एंटीक ने जो है इनिशिएट किया है कवरेज अपना, बाय रेटिंग रखा है, लक्ष्य रखा है 100 रुपये प्रति शेयर का, यानी कि करंट मार्केट प्राइजेस से आप कह सकते हैं 65% से ज़्यादा का जो है रिटर्न पोटेंशियल जो है अभी करेंटली देखने मिल रहा है। वॉल्यूम्स में भी स्ट्रेंथ आया है, बाइंग भी सस्टेन की है, लेकिन कुछ कुछ रीजंस है जहाँ पे ये री रेटिंग हो सकती है स्टॉक, और इस पर मैं पॉइंट आउट करता हूँ कि जो उनके रीसेंट कैपेसिटी एक्सपेंशन हुई है ओवरऑल मार्केट्स में, उसके कारण जो आगे जाते हुए रेवेन्यू पोटेंशियल में बढ़ोतरी देखने मिल सकती है, और वो गोवा की प्लांट की एक्विजिशन थी। इसके अलावा मल्टीपल लिवर्स आ रहे हैं जहाँ पे जो एबिडा पर मेट्रिक टन होती है, जो ऑपरेशनल मार्जिन होते हैं उस पर इम्प्रूवमेंट देखने मिल सकती है, और उनकी जो प्रमोटर ग्रुप है वो एक OCP मोरक्को ग्रुप की है। अब यहाँ से भी जो टेक्निकल नो हाउ और हेल्प के कारण जो है री रेट की एक फैक्टर देखने मिल सकती है, और ऑफ कोर्स जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आती है उस पर भी स्ट्रेंथ कंपनी को मिल सकता है। इसके अलावा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बिजनेस मॉडल्स है जहाँ पे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर स्पेस में, और आप रिसेंटली पता ही है कि फर्टिलाइजर स्पेस कंपनीज में जो है नैनो टेक्नोलॉजी और बहुत सारे सब्सिडीज में भी जो है फोकस रहने वाला है न्यूज़ में। इसके अलावा जो है ग्रोथ विजिबिलिटी जो है आगे जाते हुए रहने वाली है बैकवर्ड इंटीग्रेशन में। अब बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है, जब आप फैक्ट्री बनाते हैं तो बहुत सारे रॉ मटेरियल प्रोडक्ट्स लगते हैं या बहुत सारे अन्य इत्यादि चीज़ लगते हैं, उनको जो है कंपनी खुद जो है मैन्युफैक्चर करेंगे, तो उसके कारण क्या होता है कि आपकी कॉस्टिंग बचती है, और जब आपकी कॉस्टिंग बचती है तो आपकी मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट पड़ता है। तो एक इम्पॉर्टेंट डोमेस्टिक ब्रोकिंग हाउस का आज इनिशिएशन हुआ है, इसके कारण स्टॉक में आज अच्छी तेज़ी आई है। बिल्कुल, और इस कारण हमने देखा कि प्रदीप फॉस्फेट्स के स्टॉक में करीब 9% तक की तेजी थी पॉजिटिव रिपोर्ट के कारण। इसके अलावा आज हम देख रहे थे कि ल्यूपिन के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली। कल जब दवा को अप्रूवल मिला था तब तेजी थी, लेकिन आज रिपोर्ट आने के बाद यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हावी थी। इसकी वजह क्या थी और रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आया, बताने के लिए सृष्टि हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सृष्टि बताइए। जी हाँ, देखिए लूपिन जो कि कल 6% ऊपर था, जिसको एक बड़े ड्रग का अप्रूवल मिला था, अस्थमा की ये दवा है, जहाँ पे यूएस में लूपिन को जी स्पिरवा बेचने की अनुमति मिल गई थी यूएस एफडीए की तरफ से, उसको लेकर स्टॉक में काफ़ी जोश देखने को मिला था, क्योंकि आने वाले समय में ऐसा मानना है कि FY25 में 1/4 जो इसकी लूपिन की पूरी आय देखें तो इस पर्टिकुलर ड्रग से ही आ सकती है। तेजी आना लाजमी था, बट इसके बाद जो ब्रोकरेजेस हाईलाइट कर रहे हैं उसकी वजह से आज इसमें गिरावट भी देखने को मिली है, जहां पे आप बर्नस्टेन ले लीजिए, कोटक ले लीजिए या फिर जेफरी, सभी का मानना है कि जिन वैल्यूएशंस पे लूपिन ट्रेड कर रहा है वो कहीं ना कहीं महंगे हैं, और इन स्तरों पे अगर बाकी कंपनीज के वैल्यूएशंस देखें तो वो बेहतर बताए जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम कोटक की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने हालांकि लक्ष्य बढ़ाया है, 715 से बढ़ा के 815 कर दिया है, पर उन्होंने रिड्यूस की रेटिंग अपनी बरकरार रखी है। यहाँ पे बोला है कि पिछले समय में देखें तो जो एग्जीक्यूशन है, जिस तरीके से कामकाज करता है लूपिन, वो काफ़ी कमज़ोर है। हालांकि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, बट कमज़ोर किस तरीके से प्रदर्शन करता है वो काफ़ी देखना अहम होगा, और कहीं ना कहीं कई समय से इस ड्रग के आने की उम्मीदें थी, जिसमें जो तेज़ी है हमने ऑलरेडी देख चुकी है। वहीं बर्नस्टेन ने भी 660 रुपये के टारगेट्स दिए हैं, मेंटेन मार्केट अंडर परफॉर्म का उन्होंने इसको रेटिंग दिया हुआ है, और कहना है कि सन फार्मा से महंगे वैल्यूएशन पे अब लूपिन ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा अगर आखिरी में जेफरीज की बात करें तो यहाँ पे भी उन्होंने एक्सपेंसिव वैल्यूएशन का जिक्र किया है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है और 660 रुपये का लक्ष्य दिया है। तो आप देख रहे हैं कि लगभग सभी ब्रोकरेजेस की तरफ से जो मौजूदा स्तर है लूपिन का, उससे भी कम के टारगेट्स आ रहे हैं और वैल्यूएशन महंगे बता रहे हैं। शुक्रिया सृष्टि आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और एक और खबर का रुख करते हैं। देश का पहला स्ट्रैटेजिक गैस रिजर्व बनाने के लिए सरकार की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। ईटी नाउ स्वदेश को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि नई कंपनी में ONGC और गेल की बराबर हिस्सेदारी होगी। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं प्रकाश प्रियदर्शी के पास। प्रकाश बताइए। देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से पेट्रोलियम मंत्रालय ने देश में जो पहला गैस स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स है उसके गठन की प्रक्रिया की शुरुआत जो है वो कर दी है। इसमें जो कंसल्टेशन की प्रक्रिया है उसकी शुरुआत कर दी गई है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि शुरुआती प्लान के हिसाब से 7 से 8 MMACMD गैस रिजर्व्स कैपेसिटी जो है वो सेटअप किया जाएगा, और इससे संबंधित एक प्रेजेंटेशन जो है जल्द ही पेट्रोलियम मिनिस्टर के सामने दिया जाएगा। उसके बाद सरकार जो है ड्राफ्टिंग की प्रक्रिया की शुरुआत करेगी। सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि जो इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड है, जो कि
देश में स्ट्रेटेजिक क्रूड रिजर्व्स को ऑपरेट करती है कंपनी, उसी तर्ज पे एक डेडिकेटेड एंटिटी बनाई जाएगी जो गैस रिजर्व्स को ऑपरेट करेगी और इसमें ओएनजीसी और गेल जैसी कंपनियों की बराबर की हिस्सेदारी हो सकती है। सूत्र में बता रहे हैं कि इसके पीछे का जो आइडिया है वो ये है कि डोमेस्टिक मार्केट में जो गैस के प्राइसेस हैं, जो एलएनजी के प्राइसेस हैं, उसमें स्टेबिलिटी लाई जाए स्ट्रेटेजिक गैस रिजर्व्स के गठन के जरिए। और ये भी प्लान है कि खासकर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में जो हैवी व्हीकल्स जो कि एलएनजी पर चलेंगे, चाहे वो बसेस हों ट्रक्स हों, उनको इनिशियल 2 to 3 years तक प्राइस स्टेबिलिटी दी जाए। इसी मकसद से ये योजना तैयार की जा रही है और जब कंसल्टेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद कैबिनेट से अप्रूवल के लिए फाइनल प्रस्ताव जो है वो भेजा जाएगा और ये टारगेट रखा गया है कि इस साल के आखिर तक इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दे दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। अब फोकस करते हैं शुगर स्टॉक्स पर और आज हम देख रहे हैं वहां पर शानदार तेजी देखने को मिल रही थी और वजह ये थी कि सरकार इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक्शन में है। खबर पर और डिटेल्स के लिए चलते हैं समीर दीक्षित के पास। समीर बताइए। शुगर सेक्टर के लिए ये बड़ी और अहम खबर है। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने नोटिफिकेशन जारी किया है, साफ तौर पर कहा है कि इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत जो लोन है उसको 30 सितंबर 2023 तक आवंटित कर दिया जाए और ऐसा नहीं होने पर जिन प्रोजेक्ट को इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है उसको रद्द भी किया जा सकता है। यही नहीं, सरकार ने यह भी आदेश जारी किया है कि जिन प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है और इस इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत लोन आवंटित किया गया उसकी पहली किस्त भी जारी होगी है, अगर वो अपना प्रोजेक्ट 2.5 साल के भीतर उसको लगा लेते हैं, उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं तो वो प्रोजेक्ट रद्द कर दिया जाएगा। तो सरकार ने यह कहा है कि अगर आपकी आप एलिजिबल भी हैं इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत, आपको लोन भी मिला है और किस्त भी जारी हो रही है, तो 2.5 साल के भीतर आपको अपने प्रोजेक्ट को इथेनॉल ब्लेंडिंग के प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना होगा। दरअसल सरकार इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के जो उसका लक्ष्य है उसको तय समय में हासिल करना चाहती है। सरकार की कोशिश ये है कि साल 2025 तक पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग के 20% के लक्ष्य को हासिल कर लिया जाए, लेकिन इस दिशा में जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम सरकार लेकर के आई थी ताकि आर्थिक मदद मुहैया कराई जा सके, इसमें कुछ दिक्कतें आ रही थी। कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जिनको इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी मिला, कई जगह पर जहां लोन की पहली किस्त भी गई है वहां पर ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन में वो तेजी नजर नहीं आ रही थी। इसको लेकर के सरकार ने स्पष्ट आदेश जारी किया है कि एक तरफ तो बैंक जो है वो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत 30 सितंबर तक लोन आवंटित कर सकते हैं, ये मियाद स्पष्ट कर दी है, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट जहां पर पहली किस्त जारी भी हो चुकी है वहां पर 2.5 साल के भीतर प्रोजेक्ट को लगाना और एग्जीक्यूट भी करना होगा और ये सब कुछ एथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को तय समय में हासिल करने के लिए। शुक्रिया समीर आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। अब बात करते हैं विप्रो की। विप्रो का बायबैक आज से खुल चुका है और इस बायबैक पर कंपनी 12,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी, लेकिन बायबैक की डिटेल्स क्या हैं और इसमें आपको पार्टिसिपेट करने पर क्या मिलेगा, एक्सेप्टेंस रेशियो कितना होगा, इस पर पूरी एक कैलकुलेशन लेकर हमारे साथ सौमित जुड़ चुके हैं। सौमित बताइए। तो विप्रो का जो बायबैक है वो आज ओपन हो रहा है, तो अगर किसी रिटेल शेयर होल्डर्स के पास ऑलरेडी शेयर्स है तो उन्हें क्या करना चाहिए ये आज हम आपको लिंक में बताएंगे। बट याद रखिएगा कि अगर आप आज शेयर खरीदते हैं तो आप ये बायबैक में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। रिकॉर्ड डेट पे अगर आपके पास विप्रो के शेयर्स थे तो ही आप बायबैक में हिस्सा ले सकते हैं। अभी जो बायबैक आज खुल रहा है वो June 29 तक खुला रहेगा। प्रमोटर जो करीब 73% स्टेक ओन करते हैं कंपनी में वो भी बायबैक में हिस्सा लेने वाले हैं। टोटल बायबैक का साइज है वो करीब 12,000 करोड़ रुपए का है और बायबैक का जो प्राइस कंपनी ने फिक्स किया है वो 445 रुपीज़ का है, जो कि 15% प्रीमियम पे है करंट मार्केट प्राइस के सामने। और अभी जो 12,000 का जो मार्केट टोटल बायबैक साइज है उसमें से जो 15% पोर्शन है वो रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्व किया जाता है, जो कि करीब 1800 करोड़ के आसपास होता है। अब अगर आप बायबैक का प्रीमियम प्राइस देखेंगे वो 15% प्रीमियम पे है, उसके सामने अगर आप कंसेंसस टारगेट प्राइस देखते हैं स्ट्रीट का तो वो सिर्फ 1% प्रीमियम पे है। तो किसी भी शेयर होल्डर को ये लग सकता है कि बायबैक में अगर मैं हिस्सा ले लूँ तो मुझे एटलीस्ट 15% ज़्यादा मिलेगा, बट एक्चुअली में 15% आपको ज़्यादा तभी मिलेगा जब आप के पूरे शेयर्स बायबैक में एक्सेप्ट होते हैं। तो एक्सेप्टेंस रेशियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है बायबैक के केस में, क्योंकि रिटेल शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं बट कंपनी उतना पूरा शेयर्स बायबैक नहीं कर रहा है। मतलब अगर आप 100 शेयर अप्लाई करेंगे तो शायद कुछ ही हिस्सा उसमें से कंपनी
एक्सेप्ट करेगा बायबैक के लिए। अब अगर आप देखेंगे तो रिटेल शेयर होल्डर के पास करीब 520 नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, क्योंकि उसका जो टोटल अमाउंट है वो 2 लाख के नीचे हो जाएगा, तो 520 शेयर्स किसी रिटेल शेयर होल्डर के पास होगा। अब कंपनी के जो रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो मिनिमम एक्सेप्टेंस रेशियो है, इसका मतलब ये है कि अगर आप 100 शेयर अप्लाई करेंगे तो एटलीस्ट 23 शेयर्स तो कंपनी को वापस लेने ही पड़ेंगे आपसे, तो जो मिनिमम एक्सेप्टेंस रेशियो वो 23% का है। बट एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये एक्सेप्टेंस रेशियो करीब 40-60% भी हो सकता है। तो तीनों सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो आपके रिटर्न्स कितने होते हैं ये आपको हम बता देते हैं अभी। अगर 25% का एक्सेप्टेंस रेशियो होता है तो आपके रिटर्न्स करीब 4% के हो सकते हैं, और ये अज्यूम इसलिए कर रहे हैं कि जो बाकी के जो शेयर्स है वो आपके बाइंग प्राइस पे आप वापस बेच सकते हैं मार्केट में, तो जो बायबैक में हिस्सा लेके आपके गेंस करीब 4% के होंगे। अगर 40% का एक्सेप्टेंस रेशियो हो जाता है तो आपके गेंस करीब 6% के हो सकते हैं, और अगर 60% के एक्सेप्टेंस रेशियो तक अगर आपको देखने मिलता है तो करीब 9% के गेंस हो सकते हैं। तो भले ही प्रीमियम जो है बायबैक प्राइस का वो 15% है, बट पूरा का पूरा 15% आप रियलाइज नहीं कर पाएंगे, जितना एक्सेप्टेंस रेशियो होगा उतना ही आप रियलाइज करेंगे। तो किसी भी शेयर होल्डर को अब क्या करना चाहिए, यूजुअली अगर आप देखिए तो टारगेट प्राइस बहुत ही कम अपसाइड दिखा रहा है, और पास्ट इंस्टेंस में भी अगर हम देखें तो पिछले 4 बायबैक में से 3 बायबैक में तो एटलीस्ट अगले 6-9 महीने में जो शेयर प्राइसेस के रिटर्न थे वो 9-18% नेगेटिव साइड में थे। तो बायबैक के बाद अगर आप शेयर रखते हैं तो यूजुअली नेगेटिव रिटर्न्स आपको देखने मिले हैं विप्रो के केस में, और एनालिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश नहीं है एटलीस्ट आउटलुक को लेकर विप्रो के केस में। तो शायद बायबैक में अगर आप शेयर्स टेंडर कर देंगे तो आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं कंपेयर टू मार्केट। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सौमित आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, और एक्सिस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग में ग्रोथ को और बढ़ावा देने के लिए एक्सिस वन व्यू नाम से ऐप लॉन्च कर दिया है। क्या है इसकी खूबियां और ग्राहकों को इसका क्या फायदा होगा, इस पर हमारे संवाददाता अंकुर मिश्रा ने एक्सिस बैंक के डिजिटल बिजनेस के हेड समीर शेट्टी से खास बातचीत किया, ये आपको सुनवा देते हैं। सबसे पहले तो मैं समझना चाहूंगा कि कंज्यूमर्स को और आपके कस्टमर्स को क्या फायदा होगा वन व्यू को डाउनलोड करने में, और क्या ये एकदम यूपीआई की तरह है? सबसे पहले धन्यवाद इस अपॉर्चुनिटी के लिए। जो वन व्यू हमने लॉन्च किया है उसका हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम हमारे कस्टमर्स को हेल्प करें उनके फाइनेंशियल लाइफ्स को अच्छे से प्लान करने के लिए, ताकि उनको पता चले कि उनकी स्पेंडिंग कहाँ पर हो रही है, वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं वगैरह वगैरह, और वो सारा कुछ एक ऐप में एक जगह पर कर सके। ये जो इसका जो प्रोसेस है बिल्कुल ही यूपीआई की तरह है। आपको अपना अकाउंट लिंक करना है और वो अकाउंट लिंकेज प्रोसेस यूपीआई का एकदम कॉपी ही है। सो सारे कस्टमर्स को काफ़ी सावधान इससे काफ़ी कन्वीनियंस होगी, और उनको ये फेमिलियर भी है, ये कोई नया प्रोसेस नहीं है। आपका विजन रहा है डिजिटल 2.0, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन के लिए को लेकर, और जो टैगलाइन अगर मुझे ठीक से याद है डिजिटल बैंक विद इन द बैंक, तो ये जो जर्नी है आपको क्या लगता है वहाँ पर आप कहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो करेंट सिचुएशन क्या है और क्या आपका टारगेट है? बिल्कुल, तो ये जो एक्सिस 2.0 है ये हमने करीब ये 1.5 साल हो गए ये लॉन्च करके हमको। एक्सिस 2.0 में जो हमारा डेफिनेशन है वो ये है कि एंड टू एंड जो ये प्रोडक्ट की सेल है वो फुली डिजिटल हो। और जो एक्सिस 2.0 के अगर हम देखें कि क्या पेनिट्रेशन है, तो डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट हम 7-60% तक बैंक का कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जैसे अगर हम ले कि FD या म्यूचुअल फंड्स, तो वहाँ पर हम 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं बैंक के सेल्स को। या हम ले पर्सनल लोन्स, तो पर्सनल लोन्स में ऑलरेडी करीबन वैल्यू वाइज अबाउट 20% जो है वो एक्सिस 2.0 फॉर्मेट में हो रहा है। और अगर हम टोटल डिजिटल ले तो ऑलमोस्ट 80% है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ लोन्स। तो प्रोडक्ट्स की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी रही है। और इससे जो एक और हमको फ़ायदा दिखा है वो ये कि कस्टमर एक्सपीरियंस वो काफ़ी बेटर हो गया है।